पाकिस्तान के बीच इन दिनों चल रही तनावपूर्ण स्थितियों का असर देश के बाजार पर पड़ रहा है। इसकी वजह से कृषि जिंसों के भाव एकाएक एकदम से नीचे गिरते जा रहे हैं। ये कहना है प्रदेश की सीमांत जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच के सचिव संजीव श्रीवास्तव का। जी हाँ, आज जब नीमच मंडी में किसानों ने अपनी लहसुन के दाम चलती मंडी में एकदम से गिर जाने के चलते जब हंगामा मचाते हुए व्यापारियों को नीलामी से खदेड़े मंडी बंद कर दी, तब मंडी सचिव किसानों के बीच पहुंचे और उन्हें समझाते हुए देश के वर्तमान हालातों का हवाला देते हुए भाव के कम होने का कारण किसानों को बताते देखे गए। लेकिन किसान मंडी सचिव की इस बात से और नाराज हो गए और बवाल मंडी में मचा दिया। काफी देर तक मंडी बंद रही और जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा। गौरतलब है कि आज ही मंडी में लहसुन लंच के पहले करीब 3000 रुपए तक बिकी, लेकिन लंच के बाद भाव आधे के बराबर ही रह गए। ऐसे में किसानों ने इसका विरोध करते हुए मंडी ही ठप करवा दी। खबर लिखे जाने तक मंडी शुरू नहीं हुई थी और प्रशासनिक अधिकारी किसानों और व्यापारियों को समझाकर मंडी शुरू करने के प्रयास में लगे थे। जो अभी युद्ध के हालात चल रहे हैं उससे अभी ये जो सुबह शाम में इसमें सब गिरावट आना, चाहे दाल दलहन हो, चाहे ये हो, चाहे पान हो, चाहे ये चीज़ें वहीं के इधर के एक्सपोर्ट आइटम है, इसी एरिया में जाते हैं। बटनगर क्षेत्र से आया हूँ, 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ, यहाँ पर भाव देखकर आया हूँ। कल भाव 5500 रुपये बिक रहा था और आज सीधे से 3000 रुपये भाव बेचा इन्होंने। और इनकी ये पिक्चर बन रही है व्यापारियों की कि सुबह का जो भाव था और अभी का जो भाव है उसमें इन्होंने आधा काट दिया और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गोलीबारी हो रही है इसके कारण हम भाव कम कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब इसका सरकार? और बाद में एक कर्मचारी बोला कि तुम तुम्हारे सरकार से बात करो। उस कर्मचारी का इसमें क्या रोल है कि सरकार से बात? देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए लगभग सभी जिंसों में मंदी आई है और संभावना व्यक्त भी हो रही है कि मंदी अभी चलेगी। इस बीच पहले एक हफ्ते पहले तक तो काफ़ी अच्छे भाव लहसुन के चल रहे थे। आज भी जो घटना हुई है वो भाव में कमी के कारण किसान आक्रोशित हुए थे, नीलाम बंद की गई उनके द्वारा और मेरे पास भी आए, मुझसे भी उन्होंने बताया कि ये रेट जो है लहसुन के हमको कम मिल रहे हैं। तो इस संबंध में मैंने किसानों को आश्वस्त किया है कि प्रतियोगिता के माहौल में ही खुली नीलामी से जो है वो उनकी कृषि उपज का विक्रय कराया जाएगा। और जहाँ तक आपने बताया कि इशारे वाली बात है, अभी फिर मैंने निरीक्षकों को भी बुलाया और इनको इस बाबत ताकीद किया जाएगा कि ऐसी कोई घटना न होने दें जिससे प्रतियोगिता पे असर पड़े। ऐसे व्यापारियों पे कार्रवाई के लिए मंडी अधिनियम की धारा 36 के उल्लंघन पर प्रावधान है और अभी आपने मेरे संज्ञान में ये चीज़ अभी लाई है, मैं इसको दिखवाता हूँ और अगर ऐसी पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में फिर उधर से ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP।